दोस्तों, अभी ठंडियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ठंडियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है जिनकी स्किन ड्राई होती है। सर से लेके पैर तक आपकी जो स्किन होती है, आपके जो बाल होते हैं, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट में सी महसूस होती है, स्किन फटने लगती है। और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पेन सी महसूस होती है, कुछ लोगों के उंगलियों में, नाखूनों में या फिर गाल में, एड़ियों में ब्लड सा निकलने लगता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली के कुछ ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैसेलीन है बहुत सस्ती आती है, यहाँ तक आपके आसपास किसी भी दुकान में आपको 5 से लेकर 10 रुपए तक की भी डिब्बी मिल जाएगी, जो कि आपकी आराम से 2 दिन 3 दिन चल जाती है अगर आपको ज़्यादा मतलब नहीं खर्चा करना है, और या फिर अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहला हैक ये है कि जब आप रात में फेस वॉश करते हैं, बेड पर जाने से पहले आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लें वैसेलीन से। इससे आपके चेहरे का जो भी ग्लो चला गया है वो वापस आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो स्किन है, सुबह उठेंगे गुनगुने पानी से आपको उसके बाद चेहरा आपका धोना है, और पूरा दिन आपका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बना रहेगा और बिल्कुल भी डल नहीं लगेगा आपका चेहरा। और दूसरा हैक ये है कि आप देखते होंगे कि अक्सर आपके जो नाखून या फिर जो उंगलियों की टिप्स होती है उन पर कालापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा फट जाती हैं उंगलियाँ। स्पेशली हम जो ठंडियाँ होती हैं इनमें कुछ काम करते हैं घर के, तो उनसे बहुत गंदगी जम जाती है। तो आप अपने हाथों पे इस तरीके से मसाज करके सोएं तो आपके हाथ और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, हाथों के जो उंगलियां होती हैं वो फटेंगी भी नहीं। नेक्स्ट ये है कि जो आपके बाल हैं ठंडियों में बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, स्पेशली ये नीचे के जो स्प्लिट एंड्स हैं, जो बाल हैं वो दोमुहे हो जाते हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा इस तरीके से मसाज कर लें। और इस तरीके से मसाज जब आप कर लेंगे तो आपके जो बाल नीचे से जो ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स लगता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल नीचे से भी उतने ही मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे जितने कि वो ऊपर से रहते हैं जड़ से। अब नेक्स्ट हैक ये है कि जैसे आपके जो बाल हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बाल, सबके बेबी हेयर सबके रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता आपके बेबी हेयर नहीं है। तो छोटे छोटे ये जो बाल रहते हैं, अक्सर क्या होता है कि ये ऐसे निकले रहते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते, स्पेशली जब ये हवा चलती है तो ऐसे उड़ते रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप हल्का सा अपने बालों पर इस तरीके से पेट्रोलियम जेली लगाएं और उसके बाद अपने बालों में थोड़ा सा कंघी कर लें, तो आपके सारे के सारे जो बाल हैं वो अपने बालों में एकदम सेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट हैक ये है कि दोस्तों, सर्दियों में जो हमारी कोहनियाँ होती हैं, चाहे वो घुटने हैं, पैरों की घुटना हो या फिर हाथों की कोहनी हो, ये बहुत ही ज़्यादा फटने लगती है, बहुत ज़्यादा मोटी सी काली सी एक परत जम जाती है ठीक से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले ठीक इसी तरीके से आप अपने अच्छे से हाथों पर कोहनियों पर इस तरीके से मसाज कर लें वैसलीन लेके, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो हाथों की कोहनियाँ हैं वो बिल्कुल लाइट भी हो जाएंगी अगर डार्क हैं तो, और जो मोटी सी एक परत सी जमी होती है वो भी धीरे धीरे छूट जाएगी। जब आप इसको नहाएंगे तो नहाने से पहले थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे जो लिप्स हैं बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, अब सबके पास लिप गार्ड नहीं होता है, महंगे से महंगा लिप गार्ड बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं लेकिन हर कोई नहीं यूज़ कर सकता है। तो 5 रुपये की ये जो वैसेलीन है बहुत ही काम है, इसको आप अपने होठों पे एज अ लिप बाम भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे जो होंठ होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट एंड मुलायम होते हैं। ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।